नमस्कार, तेज हरियाणा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बड़ी अपडेट के साथ हम शुरुआत करेंगे, जो कि सिरसा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल अब नशा तस्करी से कमाई गई जितनी भी संपत्ति है उसको पुलिस बेहद जल्द नीलाम करेगी। ये तस्करों के हौसले तोड़ने वाली खबर है। और सिरसा पुलिस, डॉक्टर अर्पित जैन जो कप्तान है, पुलिस कप्तान, उन्होंने ये बड़ी सफलता हासिल की है। जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो आपको हैरान कर सकती है। और निश्चित तौर पर जो सिरसा एक शुष्क बंदरगाह के तौर पर तस्करी के मामले में जाना जाता है, अब उसकी कमर टूटने वाली है। और ये खबर उन तस्करों को भी परेशान हैरान कर सकती है जो नशा तस्करी करके मोटी कमाई करते हैं या फिर अपनी संपत्ति बनाते हैं। तो अब पुलिस ने डबाली सदर थाना के अंतर्गत पन्नीवाला मोरिका में जो 2,42,00,000 रुपए की जो संपत्ति को अटैच करके दिल्ली की कंपिटेंट अथॉरिटी को जो भेजा था, उसमें अब पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल ये की है कि अब कंपिटेंट अथॉरिटी थी जो सक्षम प्राधिकरण है, उसने उसे कंफर्म कर दिया है। यानी कि अब पुलिस बेहद जल्द ही उस अटैच की गई संपत्ति को प्रशासन के साथ मिलकर उसे नीलाम करवाएगी। दरअसल जो 2,42,00,000 रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया था, इसकी पूरी फाइल पुटअप करने के बाद, तैयार होने के बाद उसे दिल्ली कंपिटेंट अथॉरिटी को भेजा गया था, जहां पर जो तस्कर पक्ष था उसकी तरफ से वहां पर अपील दलील की गई। लेकिन वहां पर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल लगी है। अब अगले 45 दिनों के भीतर जो आगे का प्रोसेस होगा वो जैसे ही पूरा होता है, तो उसके बाद पुलिस इस पूरी संपत्ति को नीलाम करवाने की जो कार्रवाई है उसको शुरू करेगी। और वर्तमान में ये जो संपत्ति है वो 3.5 करोड़ रुपए की आंकी गई है, जिसमें करीब 8 एकड़ के आसपास जमीन, एक i20 गाड़ी है और कुछ बैंक के अंदर पड़ी कैश है। तो तमाम जितने भी खाते थे उनको फ्रीज किया गया था। और हम आपको ये एक बड़ी अपडेट डवाली से बता रहे हैं, जहां पर पुलिस ने अटैच 2,42,00,000 की संपत्ति की थी। वर्तमान में संपत्ति की कीमत 3.5 करोड़ आंकी गई है। अब तस्करी करके बनाई गई करोड़ों की संपत्ति अब बेहद जल्द नलाम होगी। कंपिटेंट अथॉरिटी ने तस्कर उसके परिवार की 1,40,00,000 रुपए की संपत्ति को कंफर्म किया है। और अब पुलिस ने दावा किया है कि नशा तस्करों का सिरसा जिला से पूर्ण तरीके से सफाया होगा। जिला में अब नशा तस्करों में नशे की काली कमाई से अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों की खैर नहीं है। नशा तस्करों का सिरसा जिला ने अब पूर्ण सफाया करना तय किया है। पुलिस ने नशा तस्करों उसके द्वारा नशे के कारोबार से बनाई गई संपत्ति को अब पूर्ण तरीके से उसके ऊपर कानूनी शिकंजा कस दिया गया है। पुलिस कप्तान डॉक्टर अर्पित जैन के नेतृत्व में जहां नशा तस्करों की धरपकड़ की जा रही, वहीं पर तस्करों द्वारा की गई काली कमाई से अर्जित की गई चल अचल संपत्ति का ब्यौरा जुटाने के बाद उसे जब्त करना शुरू कर दिया है। इस दिशा में पुलिस को तब बड़ी कामयाबी मिली है जब जिला के डबाली क्षेत्र के गांव पन्नीवाला मोरका निवासी तस्कर व उसके परिवार द्वारा नशे की कमाई से अर्जित की गई करोड़ों रुपए की संपत्ति को अटैच कर कंपिटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली ने कंफर्म करने में से करवाने में बड़ी हासिल की है सफलता। और कंपिटेंट अथॉरिटी नई दिल्ली ने 1,40,00,000 रुपए की संपत्ति कंफर्म की है। शीघ्र इस प्रॉपर्टी को स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नीलाम करवाया जाएगा। बातचीत करते हुए डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया है कि जिला पुलिस के DSP डॉक्टर कुलदीप बैनीवाल, SHO सदर देवीलाल, सब इंस्पेक्टर विकास द्वारा डबाली सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पन्नीवाला मोरका निवासी सुखविंदर सिंह उर्फ बंदर सिंह की, जो कि उनके पूरे परिवार के कई नाम जिसमें शामिल है, और उनकी जो पन्नीवाला मोरका की नशा कारोबार से खरीदी की कृषि भूमि, मकान, गाड़ियों, बैंकों में जमीन जमा करीब 18,00,000 रुपए, 25,000 रुपए की जमा राशि, 27,57,000 रुपए, 116 के करीब व्हीकल और करीब 2,42,00,000 रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर आगामी कार्रवाई शुरू की थी। सुखविंदर सिंह के खिलाफ 12 मामले, जबकि दीप उर्फ बबलू के खिलाफ 4 मामले, दलजीत के खिलाफ 2 मामले मादक पदार्थ अधिनियम के दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि पुलिस द्वारा राजस्व विभाग से करवाए गए मूल्यांकन से मालूम हुआ कि सुखविंदर उर्फ मंदर सिंह पुत्र मोहन सिंह, दीप सिंह उर्फ बब्बी निवासी पन्नीवाला मोरका ने नशा तस्करी की कमाई से करीब 2,42,00,000 रुपए की संपत्ति बनाई थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशे से अर्जित की गई संपत्ति का राजस्व विभाग से वर्तमान में मूल्यांकन करने पर पता चला कि संपत्ति की करीब 3,50,00,000 रुपए की कीमत आंकी गई है। सुखविंदर सिंह उर्फ मंदर पुत्र मोहन सिंह, दीप सिंह उर्फ बब्बी पुत्र सुखविंदर सिंह, दलजीत सिंह पुत्र सुखविंदर सिंह निवासी पन्नीवाला मोरका नशे के अवैध कमाई से ये संपत्ति उन्होंने खरीदी थी, जिसमें बताया गया है कि थाना डबाली में मादक पदार्थ अधिनियम मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ। उन्होंने बताया कि थाना सदर डबाली में दीप उर्फ बब्बी अन्य अभियोग में भी अभी 5 क्विंटल चूरा पोस्ट के मामले में जेल में बंद है।
पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरपिंद जैन ने कहा है कि पुलिस द्वारा नशा तस्करों के मामले में सजायाफ्ता लोगों की सूची देकर राजस्व विभाग से उनके नाम दर्ज संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था और जिसके बाद पूरी इसकी फाइल दी गई थी, जिसके बाद पुलिस विभाग की संपत्ति को कुर्क करने के संबंध में कानूनी कार्रवाई शुरू की और केस बनाकर नई दिल्ली में स्थित राजस्व विभाग के प्रशासक के पास भेज दिया था। और उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का ट्रिब्यूनल इस मामले में फैसला करता है, जिसमें दोनों पक्षों की दलील सुनने का प्रावधान है। पुलिस ने अपनी दलीलें रखकर संपत्ति अटैच करने का आग्रह किया था और ये संपत्ति अर्जित करने वालों का ब्यौरा जुटाने के ये जिला के सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए गए कि जिला में इस तरह के नशा बेचने वाले, नशे से अवैध संपत्ति जुटाने वालों का पता लगाया जाए, संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाए और कुछ नशे के सौदागरों अर्जित की गई संपत्ति का पता कर लिया गया है, संपत्ति शीघ्र जब्त की जाएगी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि डीएसपी कुलदीप सिंह बैनीवाल, सदर थाना प्रभारी देवीलाल की उन्होंने प्रशंसा की है। थाना प्रभारियों के कड़े निर्देश दिए हैं कि जल्दी ही नशा तस्करों का सिरसा जिला से पूर्ण सफाया किया जाए और इसके साथ साथ कड़ी कार्रवाई का संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भी नशे की कमाई से अर्जित की गई संपत्ति जब्त करने संबंधी सूचना जिला राजस्व विभाग को दी गई थी ताकि वे लोग अपनी जमीन न बेच सके। कार्रवाई से नशा तस्करों के बीच एक कड़ा संदेश जाएगा कि नशे के व्यापार से खुद को दूर नहीं रखते तो उनका भी संपत्ति से जब्त, उनका जो पैसा था उसको जब्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संपत्तियों को अटैच करने से मादक पदार्थों की तस्करी पर भी कड़ा प्रहार होगा। पुलिस अधीक्षक ने नशा का कारोबार करने वालों और उनके संरक्षण देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो एक बड़ी अपडेट हमने आपको बताई है, सिरसा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और अब ना सिर्फ नशा तस्करी से कमाई गई संपत्ति को अटैच किया जाएगा बल्कि उनके रिश्तेदारों में, मित्रों दोस्तों में भी अगर उस प्रॉपर्टी को कोई अपने नाम करवाने की कोशिश करता है तो उनके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई करेगी और ये एक बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं कहा जाएगा, जरूर एक पुलिस की कामयाबी कही जाएगी। लेकिन अब भी सिरसा जिला में खास करके ट्राई सिटी डवाली में नशे की तस्करी बड़े स्तर पर हो रही है। हालांकि गांव-गांव में कमेटियां गठित हुई हैं और लोग अपने स्तर पर अपनों का बचाव कर रहे हैं, लेकिन युवा पीढ़ी आज भी इस चट्टे की गिरफ्त में है और लगातार अकाल मृत्यु का ग्रास भी बन रही है। तो आप सभी से गुजारिश है, आप नशे के खिलाफ इस मुहिम को जारी रखें और अपनों का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें ताकि हम लोग इस समाज में इस नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कामयाब हो सके। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।